Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we'll be solving today's LeetCode Delhi challenge, which is cheapest flight within K stops. This is one of the most interesting and very good problem on graph. So this is based on Dijkstra algorithm. So let's try to read the problem statement first. So there are n cities connected by some number of flights. You are given an array flights where flights of I is from to price. That means flights array के अंदर हर एक जो array होगा वो मुझे ये बताएगा कि मेरी flight कहाँ से कहाँ तक जाएगी और उसको जाने में कितना cost लगता है. Which indicates that there is a flight from city from to two with the cost price, right? You are also given three integers SRC, like source, destination and K. We need to return the cheapest price from source to destination with at most K stops. तो अगर ये वाली कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर ना होती कि मुझे एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, बट ये वाली कंडीशन अगर ना होती और मुझे चीपेस्ट प्राइस निकालना होता तो ये प्रॉब्लम आपकी स्टैंडर्ड Dijkstra एल्गोरिदम है, राइट? स्टैंडर्ड मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाते वक्त आपको सिर्फ इस बार चीपेस्ट प्राइस का ध्यान नहीं रखना है, आपको के स्टॉप्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक बार ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं और फिर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाऊंगा. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो से मुझे थ्री पे जाना है. एज यू कैन सी आई नीड टू गो फ्रॉम जीरो टू थ्री, राइट? मुझे जीरो से थ्री पे जाना है. तो जीरो से थ्री पे जाने के लिए मल्टीपल वेज है. देखो, जीरो से वन पे जा सकते हो, वन से टू पे जा सकते हो, टू से थ्री पे जा सकते हो, फिर आप जीरो से वन पे जा सकते हो, वन से थ्री पे जा सकते हो, राइट? तो मल्टीपल वेज है. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, के की वैल्यू वन, कि आप एक से स्टॉप ज़्यादा नहीं ले सकते. लेकिन अगर ये कंडीशन गिवन ना होती के इज इक्वल टू वन वाली, तो आपका जो बेस्ट वे होता जाने का, क्योंकि Dijkstra एल्गोरिदम चीपेस्ट रास्ता निकालती है, तो हम कौन सा वे हम फॉलो करते. 0 से 1, देखो 0 से 1 जाने का 100, देन 1 से 2 जाने का भी 100, एंड देन 2 से 3 जाने का 200. तो टोटल कॉस्ट आती है आपकी 400, राइट? बट इस वाले पाथ में कितने स्टॉप्स लगे, देखो 0 से 1 एंड 1 से 2 एंड 2 से 3, तो आपके बीच में दो स्टॉप्स और लगे हैं. आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन को मत गिनो, आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन के अलावा देखो आपको दो स्टॉप्स लग रहे हैं. बट वहीं पे क्योंकि k इज इक्वल टू वन बोला है, दैट मीन्स ये वाला पाथ हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि इस पाथ में दो स्टॉप्स लगे हैं. तो वी डेफिनेटली हैव टू फाइंड द चीपेस्ट प्राइस, बट हैविंग सेड दैट कि k नंबर ऑफ स्टॉप से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. तो हम कौन सा वे अप्लाई करेंगे, 0 से 1 एंड 1 से डायरेक्ट 3, क्योंकि यही एक वे है जिसमें एक स्टॉप्स लग रहा है. अब प्राइस जो भी है वो हमें लेना ही होगा, राइट? तो इसलिए इसका आंसर 700 आएगा. लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. हमें 0 से 6 पे जाना है एंड हमारे पास के की वैल्यू 3 गिवन है. अब देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल वेज है. देखो, एक पॉसिबल वे है 0 से 1 जाओ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 6, मतलब कि ये वाला पाथ, राइट? अगर आप ये वाला पाथ फॉलो करते हो तो आपकी कॉस्ट जो आएगी वो 11 आएगी. लेकिन इसमें कितने स्टॉप्स लग रहे हैं, अब देखो इसमें कितने स्टॉप्स लग रहे हैं, 4. तो हम ये वाला पाथ कंसिडर नहीं कर सकते. नेक्स्ट पाथ देखो, एक तरीका ये है 0 टू 5, 5 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 6, दैट मीन्स ये वाला पाथ, ठीक है? एक ये वाला पाथ है. अगर ये वाला पाथ मैं फॉलो करता हूँ तो इसकी कॉस्ट 16 आती है, बट इसमें कितने स्टॉप्स लग रहे हैं, 3, और जो कि मुझे चाहिए भी कि मैं 3 स्टॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ. देन एक पाथ है आपके पास 0 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 4 एंड 6, मतलब कि ये वाला, ठीक है? इस पाथ में आपके पास कॉस्ट आ रही है 18, बट इसमें भी आपके नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने, 3. तो डेफिनेटली मैं 3 से ज़्यादा स्टॉप तो नहीं यूज़ कर सकता, बट 3 तक यूज़ कर सकता हूँ. तो इसलिए मेरा जो आंसर होने वाला है वो कौन होने वाला है, 16 होने वाला है, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि कैसे मेरे पास 16 आंसर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये दो पाथ है जहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉप्स 3 है बट मुझे मिनिमम चूज करना है, तो 16 विल बी आंसर एंड 11 मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि उस वाले पाथ में 4 स्टॉप्स लगते हैं. अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है. लेट मी एक्सप्लेन यू. पहली, देखो, जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम कोई भी फॉलो करते हुए रास्ता, कोई भी पाथ हम फॉलो करते हुए जाएंगे, तो अगर उस पाथ में नंबर ऑफ स्टॉप्स, ठीक है, अगर आपके उस पाथ में नंबर ऑफ स्टॉप्स आपके के प्लस वन हो जाते हैं किसी भी मोमेंट पे, क्योंकि के तक तो अलाउड है, बट अगर किसी भी मोमेंट पे के प्लस वन हो जाता है तो वहीं पे हम उस पाथ को ड्रॉप कर देंगे, हम उस पाथ को लेंगे ही नहीं, चाहे वो हमें पाथ मिनिमम देता हो चाहे मैक्सिमम देता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट वाइल इटरेटिंग ओवर एनी पाथ, इफ नंबर ऑफ स्टॉप्स एक्सीड्स के, यू कैन से ग्रेटर देन के, और यू कैन से लाइक इज इक्वल टू के प्लस वन, अगर एट एनी मोमेंट के प्लस वन नंबर ऑफ स्टॉप्स हो जाते हैं उस पर्टिकुलर पाथ पे, तो हम उस पाथ को ड्रॉप कर देंगे. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज, मान लो कोई नोड है डी, ठीक है? अब इस डी नोड पे पहले से कोई डिस्टेंस पड़ी है, लेट से 12, ठीक है? बट इस पे नंबर ऑफ स्टॉप्स पड़े, लेट से 4, समझने की कोशिश करना. और ये भी कहीं ना कहीं पाथ जीरो से ही शुरू हुआ, स्टार्टिंग इसका भी जीरो होगा, बट बीच में कुछ नंबर ऑफ नोड्स होंगी, राइट? तो इस पे है कि हम किसी नोड डी पर आ गए विद लेट से डिस्टेंस 12 एंड नंबर ऑफ स्टॉप्स एज 4. अब नाउ अज्यूम करो कि कोई और पर्टिकुलर नोड है, लेट से एक्स. अब उस एक्स नोड से भी आप डी पे आने की कोशिश कर रहे हो, बट जब आप इस एक्स से डी पे आ रहे हो
तो मान लो इस वाले एच की जो डिस्टेंस है वो 2 है, इसका ऑलरेडी डिस्टेंस 13 है और इसका ये बीच का डिस्टेंस 2 है। तो जब आप इस एक्स से डी पे जाओगे तो आपकी न्यू डिस्टेंस क्या होगी, 13 + 2 15 होगी। पर ना इस पे पुराना नंबर ऑफ स्टॉप्स 2 था, तो अगर आप इस एक्स से डी पे पहुँचते हो तो नंबर ऑफ स्टॉप सिर्फ 3 होंगे। तो दैट मीन्स मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसा भी पाथ इस बार कंसिडर करेंगे जो पाथ की डिस्टेंस ज़्यादा भले हो बट नंबर ऑफ स्टॉप्स उसमें कम हो। तो अगर उसमें नंबर ऑफ स्टॉप्स कम है तो मैं उस पाथ को कंसिडर करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ पे सिर्फ फोकस नहीं करना है कि मेरी डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, मुझे ये भी फोकस करना है कि मेरा नंबर ऑफ स्टॉप्स कम होना चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर नोड पे पहुंचने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, कुछ नंबर ऑफ स्टॉप्स कैलकुलेटेड है, और किसी दूसरी नोड से अगर आप इस सेम नोड पर आ रहे हो विद डिस्टेंस ग्रेटर देन द प्रीवियस डिस्टेंस, जैसे कि 15, बट नंबर ऑफ स्टॉप्स आपके कम आ रहे हैं, जैसे कि 4 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे है, तो भी हम इस बात को कंसिडर करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू इटरेट ओवर इट एंड देन वी विल कोड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एक नोड प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उस नोड के अंदर मैं कुछ चीज़ों को स्टोर करूंगा, जैसे कि मेरे को ये रखना पड़ेगा कि कौन सी नोड है और उस नोड पर मैं किस डिस्टेंस के साथ आया हूँ, ठीक है, और उस नोड पे कितने नंबर ऑफ स्टॉप्स मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ, राइट। तो मुझे ये तीन चीज़ों इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा इस बार हर बार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोड की बात करता हूँ तो मुझे इस नोड पे ये इन्फॉर्मेशन का ट्रैक रखना पड़ेगा कि इस 2 पे क्या डिस्टेंस के साथ आया जा सकता है, और ये नोड 2 है, लेट्स से 2, D डिस्टेंस के साथ आ जा सकता है और ऐसे नंबर ऑफ स्टॉप्स के साथ हम इस पे आ सकते हैं, राइट। तो ये हमें रखना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। अच्छा, अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है कि दैक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं, तो अब मैं इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू वाला या दैक्स्ट्रा एल्गोरिथम पूरा प्रॉपर तो नहीं बता सकता, बट कहीं ना कहीं वो एक उसका प्रीरिक्विजिट है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उस चीज़ की जरूरत ना पड़े और आप डायरेक्टली इस एग्जाम्पल से समझ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके डिस्टेंस एरे है उसमें सब कुछ इन्फाइनाइट मार्क्ड है, ठीक है, कि हम स्टार्टिंग में ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी नोड पे नहीं पहुंच सकते और नंबर ऑफ स्टॉप्स भी आपके पास इन्फाइनाइट है, क्योंकि मिनिमम का ट्रैक रखना है तो इन्फाइनाइट मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब नंबर ऑफ स्टॉप्स, नंबर ऑफ डिस्टेंस सब इन्फाइनाइट है। अब हमारी सोर्स नोड है 0, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि डिस्टेंस एरे के सोर्स पे जाके उसको 0 मार्क कर दो, नंबर ऑफ स्टॉप्स सोर्स पे जाके 0 मार्क कर दो, क्योंकि सोर्स से सोर्स पे पहुंचने के लिए आपको 0 नंबर ऑफ स्टॉप्स चाहिए, 0 नंबर ऑफ डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ से हटा के इसको 0 एंड 0 मार्क कर देंगे। एंड क्योंकि हमें एक आंसर मिला है तो हम क्या करेंगे, अपनी सोर्स नोड को प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देंगे। तो हमारे पास 0 नोड है, ठीक है, 0 नोड है, डिस्टेंस है 0 एंड सोर्स नंबर ऑफ स्टॉप्स भी हमारे पास 0, और हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ग्रेट। अब देखो 0 से आपके पास दो अलग अलग वेज पॉसिबल है, तो मैं दोनों ही नेबर्स पे ट्रेड करूंगा, दोनों ही नेबर्स पे ट्रेड करके डिस्टेंस निकालूंगा। तो इसकी डिस्टेंस देखो अभी तक इन्फाइनाइट है, मैंने सबकी डिस्टेंस इन्फाइनाइट मार्क कर रखी है, राइट, सबकी डिस्टेंस, तो यहां से आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स मुझे 1 से एक बेटर आंसर, 1 पे जाने के लिए एक बेटर आंसर मिला, और इसके नंबर ऑफ स्टॉप्स भी कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि 0 से आप 0 पे नंबर ऑफ स्टॉप 0 था, तो 1 पे जब आप ट्रेवर्स करोगे तो नंबर ऑफ स्टॉप जाएंगे इसके 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम 1 पे पहुंचने का एक बेटर रास्ता मिला है, विच इज 1 डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ स्टॉप्स भी 1 होते हैं, ठीक है, ग्रेट। अब सिमिलरली 5 पे भी जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि 5 पे जाने का एक बेटर रास्ता मिला है 5, और नंबर ऑफ स्टॉप्स इसके भी क्या हो जाएंगे, 1। तो हम जाएंगे 5 पे, तो हम 5 पे डिस्टेंस मार्क कर देंगे 5 एंड नंबर ऑफ स्टॉप्स मार्क कर देंगे 1, और इन दोनों ही चीज़ को मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दूंगा। देखो ये चीज़ तो डिलीट हो चुकी प्रायोरिटी क्यू से, ठीक है, क्योंकि इसको डिलीट करके तभी हमने इसके नेबर्स इटरेट किया है। अब मेरे पास दो चीज़ें पड़ी है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, नोड पड़ी है 1, डिस्टेंस पड़ी है 1 और नंबर ऑफ स्टॉप्स भी पड़े हैं 1, और एक पड़ी है मेरे पास प्रायोरिटी क्यू के अंदर, नोड पड़ी है 5, डिस्टेंस पड़ी है 5 एंड नंबर ऑफ स्टॉप्स पड़े हैं 5, ये मेरी प्रायोरिटी क्यू है। अब इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर से मैं क्या डिलीट करूंगा, मिनिमम डिस्टेंस के साथ डिलीट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट मेरा डिलीट हो जाएगा, तो ये मेरा पार्ट डिलीट होके आया, तो ये देखो नोड है, ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस है एंड ये मेरा स्टॉप्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, चलो ग्रेट। अब मैं कह रहा हूँ कि 0 के बाद 1 से बेटर होगा आगे का रास्ता ट्रैवर्स करना, तो मैं 1 से ट्रैवर्स करूँगा। तो 1 का सिर्फ एक ही नेबर है, विच इज़ 2, तो मैंने बोला कि 1 पे अभी तक 1 से 2 पे पहुँचने का अभी तक का डिस्टेंस इन्फाइनाइट मार्क्ड है, बट अगर मैं 1 से जाता हूँ तो 1 के डिस्टेंस में ये 2 ऐड हो जाएगा, 3 बनेगा, तो 3 इज़ डेफिनेटली बेटर देन इन्फिनिटी। तो हम बोल रहे हैं कि 2 पे हम 3 डिस्टेंस के साथ पहुँच सकते हैं 0 से एंड विद नंबर ऑफ स्टॉप्स एज 2। क्यों 2 क्यों, क्योंकि इसका करंट स्टॉप 1 है, तो 1 से अगर मैं 2 पे जाऊँगा तो ऑलरेडी 1 तक का नंबर ऑफ स्टॉप्स 0 से 1 था, ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं, फ्लो में समझते जाओ, अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्योंकि हमें एक बेटर आंसर मिला, तो हम क्या करेंगे, हम इसको नोड को 2 को डाल देंगे इसके अंदर विद डिस्टेंस 3 एंड विद नंबर ऑफ स्टॉप्स एज 2, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉप्स हमें 2 मिला है, ग्रेट।
अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट नोड को डिलीट करेंगे विच इज़ हैविंग बेटर डिस्टेंस। तो बेटर डिस्टेंस ये है, बेटर डिस्टेंस ये, तो हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा करंट नोड है टू, अब हम बोल रहे हैं कि टू से ट्रैवर्स करते हैं, सो लेट्स ट्रैवर्स द नेबर्स ऑफ टू। तो टू का नेबर है थ्री, तो मैंने बोला कि थ्री पे पहुंचने का अभी तक का इनफाइनाइट मार्ग है, तो अगर मैं टू के थ्रू जाता हूँ तो बेटर आंसर मिलेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो अगर मैं टू से थ्री पे जाता हूँ तो थ्री डिस्टेंस टू तक की थी और प्लस वन थ्री फोर हो गया, तो फोर इज़ डेफिनेटली बेटर देन इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इस थ्री पे जाएंगे और यहाँ पे फोर में मार्क कर दूंगा और नंबर ऑफ स्टॉप्स बेसिकली मैं इसमें ऐड करूंगा, तो टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, राइट। और देखो अभी तक भी मुझे के नंबर ऑफ स्टॉप्स लाइक के इज इक्वल टू थ्री मेरे को गिवन है, तो अभी तक मैं ट्रैक पे हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीन स्टॉप्स तक मैं कवर कर सकता हूँ, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अच्छा क्योंकि हमने एक नई डिस्टेंस को कवर किया तो हम थ्री को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी फोर एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉप्स आ जाएंगे वन, ग्रेट। चलो अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट डिलीट होगी मेरे पास नोड, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और मेरे पास नेक्स्ट नोड ये डिलीट होगी क्योंकि बेटर डिस्टेंस इसकी है, तो यहाँ पे हम इसको लेके आए और हम थ्री पे हूँ। अब मैं थ्री से नेक्स्ट ट्रैवर्स करूंगा, तो नेक्स्ट नेबर कौन है थ्री का, तो थ्री का नेक्स्ट नेबर देखो सिर्फ फोर है, अभी फोर पे पहुंचने का जो बेटर रास्ता है वो इनफाइनाइट है, बट अगर मैं थ्री से आता हूँ तो फोर प्लस वन ये हो जाएगा फाइव, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फाइव को इंसर्ट कर दूँ, सॉरी फोर को इंसर्ट कर देंगे, नोड फोर पे पहुँच रहे हैं ना, तो नोड फोर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, विद डिस्टेंस फाइव, क्योंकि हमें एक बेटर रास्ता मिला है, इनफाइनाइट था पहले, अब हमें फाइव मिल रहा है, और नंबर ऑफ स्टॉप्स इसके वन, ये थ्री पे पहुँचने का नंबर ऑफ स्टॉप्स, यार वन कैसे हो गया, वन नहीं था, थ्री पे पहुँचने का नंबर ऑफ स्टॉप्स कितना था, एक सेकेंड, वन टू थ्री, थ्री था, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक, याद करो जीरो से वन पे पहुंचे थे, स्टॉप्स हमने वन किया था, ये यहाँ पे मैंशन भी है, देखो मैं बस वहाँ पे अपडेट करना भूल गया था, आई एम सॉरी, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब क्या है कि अब मैं क्योंकि थ्री से फोर पे आ रहा हूँ, तो थ्री तक का नंबर ऑफ स्टॉप्स थ्री है, तो इसका कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, राइट। चलो ग्रेट, और हम इसको अपडेट यहाँ पे भी कर देते हैं कि फोर पे नंबर ऑफ फोर पे पहुंचने का जो बेटर रास्ता है वो फाइव डिस्टेंस के साथ और नंबर ऑफ स्टॉप्स फोर के साथ है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चीज़ को डिलीट करेंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट डिलीट होगा वो आपके पास ये फाइव वाली नोड हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि पहले से हीप के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो ये तो आपका लास्ट में ऐड होगा, तो ये ही रहेगा, यही रहेगा हीप पे, ठीक है। तो अब आपका ये डिलीट हो गया, दैट मीन्स अब मैं फाइव पे हूँ, बहुत बढ़िया। अब फाइव से ट्रैवर्स करते हैं, तो देखो फाइव से ट्रैवर्स करने के दो रास्ते, एक तो फाइव से आप थ्री पे जा सकते हो एंड एक फाइव से आप सेवन पे जा सकते हो। अब ये चीज़ समझने की है, फाइव से एक रास्ता थ्री की तरफ है और फाइव से एक रास्ता सेवन की तरफ है। अगर फाइव से मैं थ्री की बात करता हूँ तो थ्री पे डिस्टेंस ऑलरेडी फोर है, नंबर ऑफ स्टॉप्स आपके थ्री है, ध्यान से देखो। अगर मैं थ्री नोड की बात करता हूँ तो थ्री पे पहुंचने के लिए जो अभी तक की बेस्ट डिस्टेंस है वो फोर है और नंबर ऑफ स्टॉप्स आपके पास थ्री है। सेवन पे पहुंचने के लिए दोनों ही इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट है अभी तक, और फाइव पे जो ऑलरेडी डिस्टेंस मार्क्ड है वो नंबर ऑफ स्टॉप्स, सॉरी डिस्टेंस फाइव और नंबर ऑफ स्टॉप्स आपके वन है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर मैं फाइव से थ्री पे जाता हूँ, यहाँ का लिख लेता हूँ ये फोर है ये टू है, तो अगर मैं फाइव से थ्री पे जाता हूँ, ये वही चीज़ है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। नाउ इफ़ आई गो फ्रॉम फाइव टू थ्री, तो जो मेरे पास डिस्टेंस आएगी ना, देखो वो नाइन आ रही है, ध्यान से देखो वो नाइन आ रही है, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टॉप्स आ रहे हैं ना वो वन वन फाइव का है, तो एक और जुड़ जाएगा विच इज़ टू, तो डिस्टेंस हमें ज़्यादा मिल रही है बट नंबर ऑफ स्टॉप्स हमें कम मिल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट, कि मुझे क्या मिल रहा है, फाइव से थ्री पे जाने के लिए डिस्टेंस तो ज़्यादा मिल रही है पर यार नंबर ऑफ स्टॉप्स तो कम मिल रहे हैं, तो मैं इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ मेरे को पता है कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है वो एग्जैक्टली मिनिमम नहीं आएगा हमेशा, क्योंकि अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टॉप्स की रिस्ट्रिक्शन है तो वो आंसर थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, बट उन नंबर ऑफ स्टॉप्स के साथ मुझे मिनिमम आंसर निकालना है, तो मैं इस बात को निगलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे इसको कंसिडर करना होगा कि थ्री पे पहुंचने के लिए एक बात और भी है जिस पे डिस्टेंस है नाइन बट नंबर ऑफ स्टॉप्स उस पे टू लगते हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर पाथ को अपनी हीप के अंदर ऐड कर दूंगा, बट क्योंकि मुझे डिस्टेंस बेटर नहीं मिली तो मैं यहां पे अपडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है और स्टॉप्स है सिर्फ तभी अपडेट होता है जब आपको एक बेटर डिस्टेंस मिलती है। पर हीप के अंदर मैंने इसको क्यों इंसर्ट किया, हीप के अंदर मैंने इसलिए इंसर्ट किया क्योंकि मैं इस बात को कंसिडर करूंगा फ्यूचर में कि मैं दोबारा इससे एक्सप्लोर करूंगा कि मुझे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पाथ को मैंने स्टोर कर दिया हीप के अंदर, तो मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको दोबारा कंसिडर करने वाला हूं फ्यूचर में, क्योंकि दोबारा ये डिलीट होगा मेरी हीप के अंदर से, और जब ये डिलीट होगा तो मैं वहां से नई डिस्टेंसेज को कैलकुलेट करूंगा, नए नंबर ऑफ स्टॉप्स को कैलकुलेट करूंगा, पर मैं अभी यहां पे अपडेट नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे डिस्टेंस एरे के अंदर तो मिनिमम डिस्टेंस ही का ट्रैक रखना होता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। जब मैं इसको फाइव से थ्री को रिपीट इटरेट करूंगा, फाइव से थ्री पे जाऊंगा, तो मुझे डिस्टेंस तो ज्यादा मिलेगी विच इज फाइव प्लस फोर नाइन मिलेगी, बट नंबर ऑफ स्टॉप्स मेरे को टू मिलेंगे एंड टू इज लेस देन द प्रीवियस नंबर ऑफ स्टॉप्स,
विच इज 3, आप देख सकते हो 3 यहाँ पे स्टॉप्स मैंशनड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को भी, लाइक इस पर्टिकुलर स्टैट्स को भी मैं इसके अंदर स्टोर करके रख लूँगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो हमने एक नेबर तो एक्सप्लोर कर लिया, अब दूसरा नेबर एक्सप्लोर करते हैं। तो 5 से अगर मैं 7 पे जाता हूँ तो डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 7। तो एक काम करते हैं, 5 पे जाके, सॉरी 7 पे जाके डिस्टेंस मार्क कर देते हैं 7 एंड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स मार्क कर देते हैं 2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। चलो अब हमने 5 को इटरेट कर लिया, नाउ लेट्स रिमूव 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे हीप से, ठीक है, और उससे प्रोसेस करेंगे। अब देखो मेरी हीप के अंदर दो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, तो ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस वाला डिलीट होगा, विच इज 4। तो जब मैंने इस 4 को डिलीट किया तो मैं ना साथ के साथ चेक भी करता हूँ कि क्या मैं अपने डेस्टिनेशन नोड पे पहुँच गया हूँ। तो देखो ये मेरी डेस्टिनेशन नोड तो नहीं है, ठीक है, नोड मेरे पास हर बार चेक कर रहा हूँ मैंने आपको बताया नहीं है, बट आप समझो कि हर बार ही हम चेक भी करते हैं कि जब भी हम हीप से डिलीट करते हैं तो हम हमेशा चेक करते हैं कि क्या मैं डेस्टिनेशन नोड पे तो नहीं पहुँच गया। तो अभी तक हम डेस्टिनेशन नोड पे नहीं पहुँचे, बिकॉज डेस्टिनेशन नोड हमारी 6 है। तो अगर मैं डेस्टिनेशन नोड पे नहीं पहुँचा तो आप नंबर ऑफ स्टॉप्स चेक करो। अब क्या अगर ये डेस्टिनेशन नोड नहीं है और नंबर ऑफ स्टॉप्स ऑलरेडी 3 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो दैट मीन्स ये पाथ ही गलत है, आप इस पाथ को ट्रेवर्स करना ही गलत है। क्योंकि देखो ये फोर ये वाले पाथ को रिप्रेजेंट करता है, ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे, ये जो वैल्यूज़ है 4 5 4, ये आपके इस वाले पाथ को कंसिडर कर रही है, इस वाले पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है कि नोड 4 पे आप डिस्टेंस 5 के साथ विद नंबर ऑफ स्टॉप्स 1 2 3 एंड फोर्थ स्टॉप ये है, और फोर्थ स्टॉप होने के बाद भी अगर ये नोड आपकी 6 नहीं है तो दैट मीन्स ये पाथ ही गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करके एज इट इज़ छोड़ देंगे, हम इससे नेबर्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई भी नेबर को एक्सप्लोर करने से हमें बेकार ही आंसर मिलने वाला है, नंबर ऑफ स्टॉप्स ज़्यादा ही मिलेंगे, राइट। तो इस पाथ के थ्रू मैं किसी भी को भी अब आगे एक्सप्लोर नहीं करूँगा, ग्रेट। हमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब हमने 5 से 7 को एक्सप्लोर किया था तो हमने 7 भी तो इंसर्ट किया था यार, ठीक है। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे 5 पे था तो यहाँ पे 5 नोड थी, यहाँ पे था आपके पास 5 ही था, ठीक है, डिस्टेंस भी 5 ही थी और आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉप्स थे 1। तो जब मैंने 5 से 3 को और 7 को एक्सप्लोर किया तो एक तो आपकी हीप के अंदर ये गया होगा, 3 नोड आप पे जा रहे हो आप विद डिस्टेंस 9 एंड नंबर ऑफ स्टॉप्स आपके पास 2 थे, एक तो आपके पास ये पाथ था, दूसरा आपने 7 को भी तो एक्सप्लोर किया था, तो 7 नोड को भी तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, 7 विद डिस्टेंस 7 एंड विद नंबर ऑफ स्टॉप्स 2। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपका ये जो डिलीट होगा ना वो ये डिलीट होगा, मैंने उसको पहले डिलीट कर दिया था क्योंकि मैं 7 को डालना भूल गया था, तो अब ये डिलीट होगा। जब ये डिलीट होगा तो अच्छा, यहाँ पे मैंने अपडेट ऑलरेडी कर ही दिया था 7 वाली चीज़, बट मैं हीप के अंदर डालना भूल गया था। तो अब देखते हैं इससे कि 7 नोड से मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो 7 नोड से आप 4 पे जा सकते हो, तो देखते हैं कि कैसे जा सकते हैं, कितना बेटर तरीके से जा सकते हैं। अभी आपको पता है कि 7 से अगर मैं 4 पे जाता हूँ तो 4 पे ऑलरेडी जो डिस्टेंस मार्क्ड है वो कितनी मार्क्ड है, 5, और नंबर ऑफ स्टॉप्स 4 मार्क्ड है, तो आप चेक कर सकते हो। तो मैं और अभी 7 पे कितना है, 7 पे डिस्टेंस 7 और नंबर ऑफ स्टॉप्स 2 है और यहाँ पे है 5। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 7 से 4 पे जाता हूँ तो मुझे डिस्टेंस लगेगी 12। अब 12 लेस देन 5 तो नहीं है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, नंबर ऑफ स्टॉप्स को चेक करो। तो अगर नंबर ऑफ स्टॉप्स 2 + 1 ग्रेटर लेस देन 4 है तो मैं इस पाथ को डेफिनेटली कंसिडर करूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 4 नोड को कंसिडर करूंगा विद डिस्टेंस 12 ही कंसिडर करूंगा, लेकिन मुझे नंबर ऑफ स्टॉप्स 3 मिल रहा है, विच इज़ बेटर देन बिफोर, राइट। तो हम इस पाथ को कंसिडर कर लेंगे। तो मैंने उसको हीप के अंदर इंसर्ट किया, ध्यान रहे मैं उसको डिस्टेंस एरे में अपडेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्टेंस पे मेरे को अपलोड करना होता, सॉरी ऐड करना होता है, ठीक है, जब डिस्टेंस मेरे को मिनिमम मिलती है तभी मैं इस डिस्टेंस एरे के अंदर ऐड करता हूँ। तो 7 का काम यहाँ पे डन हो चुका। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन है बेटर जो मेरे पास डिलीट होगा, वो ये डिलीट होगा, ठीक है, ग्रेट। अब मेरे पास वापस से 3 आ गया तो मैं वापस से चेक करता हूँ। अब मैं इस वाले पाथ की बात कर रहा हूँ कि 3 से 4 पे जाते हैं, तो ये वही वाला जो मैं लास्ट टाइम बता रहा था आपको, 3 से अगर मैं 4 पे आता हूँ तो 3 पे ऑलरेडी जो मेरे पास आंसर स्टोर्ड है वो कितना स्टोर्ड है, ये वाला देखते हैं हम, ये वाला 9 एंड 2, क्योंकि हम इस वाले पाथ के जो जो आपके पास करंट डिलीट हुआ है उसके स्टेट्स के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। और 4 पे पहुंचने वाले की जो अभी तक के बेस्ट स्टेट्स है वो 5 एंड आपके पास क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे भी 9 + 5 लेस देन 5 तो नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस आप, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, 9 + 1 लेस देन 5 तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो पहले से ही बेटर है उसके पास, डिस्टेंस तो बेटर नहीं है बट नंबर ऑफ स्टॉप्स बेटर है, नंबर ऑफ स्टॉप्स आपके पास डेफिनेटली बेटर है, तो आप इसको भी कंसिडर करोगे। तो आप फिर से 4 पे जा सकते हो विद डिस्टेंस 10 एंड विद नंबर ऑफ स्टॉप्स 3, ठीक है, ग्रेट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे अपनी हीप से, विच इज मिनिमम 1, तो दिस 1 विल बी डिलीटेड। तो जब ये डिलीट होगा तो हम क्या करेंगे, इस बार
तो जब ये डिलीट होगा, अब मेरे पास करंट नोड है 4, अब मैं 4 से 6 को एक्सप्लोर करूंगा, तो 4 से जो जिस जिस पॉइंट इन टाइम पे डिलीट हुआ है, तो 4 से वो 6 पे डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 नोड, ठीक है, और अभी तक ये भी इनफाइनाइट है, तो जिसके साथ में डिलीट करूँ वो 10 है, तो 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, तो 6 पे मैं पहुँच सकता हूँ विद डिस्टेंस 16 एंड विद नंबर ऑफ स्टॉप्स एज 4, क्योंकि 3 प्लस 1 4, तो 6 पे 16 के साथ पहुंच सकता हूँ विद नंबर ऑफ स्टॉप्स एज 4, और 4 का कोई और नेबर नहीं है, तो बस इतना ही रहेगा। और अब नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट होगा, अब नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट होगा तो ये मेरे पास डिलीट होगा, ठीक है। तो अब आप इस वाले नोड से आए हो, मतलब कि पहले जो आए हो आप इस वाले पाथ के थ्रू आपने 6 को ट्रेवर्स किया है, अब जो आप ट्रेवर्स करने की कोशिश कर रहे हो वो आप इस वाले पाथ के थ्रू ट्रेवर्स करने की कोशिश करो, 7 वाले पाथ के थ्रू। तो एक बार इससे भी करके देख लेते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैं 4 नोड पे हूँ, 4 से 6 पे जाना चाहता हूँ, तो अभी करंट डिस्टेंस है 12, 12 में आप 6 जोड़ोगे तो आएगा 18, तो ये 18 आया, ठीक है, ये आया 18। और अब आप देखो कि क्या आपको इस वाले को ऐड करने की ज़रूरत है, मतलब इस वाली वैल्यू को, कि 6 नोड को 18 डिस्टेंस के साथ ऐड करने की ज़रूरत है हीप के अंदर, नहीं। क्यों नहीं ऐड करने की ज़रूरत, क्योंकि देखो 6 पे जो 16 है ना ऑलरेडी वो मिनिमम है, तो आप कैसे चेक करोगे, आप ऐसे ही तो चेक करोगे करंट डिस्टेंस विच इज़ 12 प्लस जहाँ पे आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो वो डिस्टेंस 6, क्या वो लेस देन 18 है, सॉरी 16, क्योंकि 16 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर नहीं है तो आप इसको ऐड ही नहीं करोगे, राइट। तो अब ये आपका एज इट इज़ डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और अब आपके पास नेक्स्ट जो एलिमेंट बचा वो सिर्फ ये बचा, तो अब ये डिलीट होगा। अब जब ये डिलीट हुआ, मैंने आपको बताया था कि एवरी टाइम वी आर डिलीटिंग फ्रॉम द हीप वी आर बेसिकली चेकिंग वेदर दिस इज द डेस्टिनेशन नोड और नोड, सो जब आपके पास ये नोड ही डेस्टिनेशन नोड बन जाएगा तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, आप ये डिस्टेंस को रिटर्न कर दोगे। तो बहुत सिंपलिस्टिक वे में हमें करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो कुछ ऐसे फॉलो करना है कि जब भी मैं अपनी मिनिमम हीप से, ठीक है, डिलीट करूंगा, ठीक है, जब भी मैं अपनी मिनिमम डिलीट से डिलीट करूंगा तो मुझे 3 चीज़ें मिलेंगी, एक तो नोड मिलेगी, एक मुझे डिस्टेंस मिलेगी और एक मुझे स्टॉप्स मिलेंगे। तो मेरे पास 2 कंडीशन बनेगी, पहली कि अगर ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये वाली डिस्टेंस प्लस अब जिस मतलब इस नोड के अब जो भी नेबर्स होंगे, क्योंकि जब आपने किसी भी नोड को डिलीट किया तो अब आप उसके नेबर्स को इटरेट करोगे, तो नोड से नेबर तक की डिस्टेंस, तो मतलब कि नेबर की तक की डिस्टेंस, तो जिस जो भी करंट डिस्टेंस है वो प्लस इस नोड से नेबर तक की डिस्टेंस वो आप ऐड करोगे, मान लो वो एक्स है तो वो ऐड करोगे, अगर वो लेस देन है इस नोड पे पुरानी डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस एरे में स्टोर्ड है उससे, जैसे कि हमारे पास क्या था 12 प्लस 6 इज लेस देन 16, तो ये 16 आपका स्टोर्ड था। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली अब ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, बट मान लो हीप अगर 3 होता तो ये कंडीशन ट्रू होती, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंसिडर करूंगा कि मैं अपनी हीप के अंदर क्या ऐड कर दूंगा, इस नोड को ऐड कर दूंगा, मतलब नेबर को, सॉरी जिस नेबर पे मैं पहुंच रहा हूँ उसको ऐड कर दूंगा, जो ये न्यू डिस्टेंस आएगी 12 प्लस 3 15, उस 15 को ऐड कर दूंगा, और नंबर ऑफ स्टॉप्स जो भी इसके स्टॉप्स होंगे उसमें +1 करके ऐड कर दूंगा, राइट। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मान लो डिस्टेंस आपके पास नहीं आ रही, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे केसेस थे जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 9 प्लस 1 लेस देन 5 था, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, डिस्टेंस आपकी छोटी नहीं थी, बट अगर आपको याद हो तो इस केस में जो नंबर ऑफ स्टॉप्स थे वो 4 थे, बट इस केस में नंबर ऑफ स्टॉप्स 3 बैठ रहे थे हमारे, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम डिस्टेंस और स्टॉप्स एरे को तो अपडेट नहीं करेंगे, बट हम अपनी हीप के अंदर ये डिटेल जरूर डाल देंगे 10 डिस्टेंस के साथ नंबर ऑफ स्टॉप्स मेरे को 3 मिले और उस पर्टिकुलर नोड पर पहुंचने के लिए, जिस भी नेबर पे आप पहुंच रहे हो विद दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड मिनिमम स्टॉप्स वो आप हीप के अंदर ऐड कर दो। तो ये दो हमें काम करने हैं बस, ठीक है। तो मैं इसका फटाफट से कोड लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमें एक नोड की जरूरत पड़ेगी, तो एक हम नोड बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस होगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉप्स होगा एंड नोड भी होगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ नोड, देन डिस्टेंस एंड देन स्टॉप्स, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक नोड, कि हमें नोड मिलेगी, हमें डिस्टेंस मिलेगी एंड हमें स्टॉप्स भी मिलेंगे, और हम बोल देंगे दिस डॉट नोड इज इक्वल्स टू नोड, दिस डॉट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड देन दिस डॉट स्टॉप्स इज इक्वल्स टू स्टॉप्स, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ हमारे पास ये होगी कि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि भाई फ्लाइट्स एरे गिवन है हमें, तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो आप मेरी ग्राफ प्लेलिस्ट में जा करके वो पहला वाला वीडियो, सॉरी सेकंड और थर्ड वाला वीडियो देख लो, एडजेसेंसी लिस्ट वाला, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए अब क्योंकि मुझे स्टोर ये भी करना है कि हर एक नोड से हर एक नोड पे जाने का क्या डिस्टेंस है, तो मैं ना बेसिकली क्या करूँगा समझा एक बार समझा देता हूँ। देखो मैं ये करूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस आता हूँ, तो जैसे मान लो ये है, तो मुझे मान लो 0 के नेबर्स निकालने हैं, तो 0 के नेबर्स पता है मैं सिर्फ 1 और 5 स्टोर नहीं करूँगा, मुझे उनके साथ साथ उनकी डिस्टेंस भी स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से 1 पे जाने का जो डिस्टेंस है वो 1 है, देन 0 से 5 पे जाने का जो डिस्टेंस है वो 5 है, ऐसे करके मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे 5 है, तो 5 से
थ्री पे जाने का डिस्टेंस फोर है एंड फाइव से सेवन पे जाने का डिस्टेंस टू है, तो मुझे ये डिस्टेंस भी स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं बेसिकली पता है क्या बना रहा हूँ, एक हैश मैप बना रहा हूँ या फिर एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना रहा हूँ किसका, ये आपके नोड्स हो गए, इंडेसेस हो गए, और मैं पेयर स्टोर करूंगा, लिस्ट ऑफ पेयर स्टोर करूंगा, ये लिस्ट ऑफ पेयर है राइट। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक मुझे क्लास पेयर बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो क्लास पेयर, सी प्लस प्लस में पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वहाँ पे आपका काम सिर्फ उससे चल जाएगा, पेयर पेयर से ही चल जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे बना लेते पब्लिक पेयर इंट नोड इंट डिस्टेंस, क्योंकि मुझे यही दो चीज़ें स्टोर करनी होंगी, तो दिस डॉट नोड इक्वल्स टू नोड एंड दिस डॉट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये मैंने पेयर क्लास बना ली, ये मैंने नोड बना ली। अब आगे चलते हैं, मुझे बेसिकली लिस्ट बनानी है ठीक है। तो या तो आप हैश मैप बना लो या लिस्ट बना लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, लिस्ट ऑफ पेयर बनाऊँगा ठीक है, और मैं इसको बोलूँगा ग्राफ, और मैं एक फंक्शन बना लूँगा बिल्ड ग्राफ नाम का, ताकि चीज़ें सेग्रीगेटेड रहे। उसको मुझे फ्लाइट सारे भेजना पड़ेगा, नंबर ऑफ नोट्स भेजना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं मेथड बनाता हूँ प्राइवेट, और ये चीज़ वो रिटर्न कर देगा मेरे को ठीक है। बिल्ड ग्राफ ठीक है, और ये चीज़ मेरे को मिल जाएंगी, एरे मिल जाएगा और नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे ये वाली, विच इज़ ग्राफ इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट ठीक है। और यहाँ पे हम पहले ऐड कर लेते हैं कि मुझे पता है मेरे पास कितनी नोड्स हैं, एन नंबर ऑफ नोड्स है, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है एंड आई प्लस प्लस। और मैं बोलूँगा कि इनिशियली आप एक काम करो, हर एक ग्राफ में ऐड कर दो एक एम्प्टी एरे लिस्ट ठीक है। ठीक है, एम्प्टी एरे लिस्ट, ग्रेट। और अब हम फ्लाइट एरे पे चलते हैं, तो हर एक फ्लाइट एरे पे जाते हैं, इन फ्लाइट्स एरे ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि फ्लाइट का जीरो रिप्रेजेंट करता है नोड को, और फ्लाइट का वन रिप्रेजेंट करता है कि उस पर जाने की डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या बोलेंगे, ग्राफ से गेट कर लो क्या फ्लाइट ऑफ जीरो, क्योंकि हमें जीरो पे तो ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ऐड करेंगे क्या एक नया पेयर बना करके, और पहली चीज़ रिप्रेजेंट करेगी कि हम किस फ्लाइट पे जा रहे हैं ठीक है, और दूसरी फ्लाइट दूसरा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा कि मुझे उस फ्लाइट पे जाने की क्या डिस्टेंस लग रही है। तो ये चीज़ मैं स्टोर कर लूँगा एंड लास्ट में मैं अपने ग्राफ को रिटर्न कर दूंगा ठीक है। तो ये स्टोर मैंने कर लिया, आई होप बिल्ड ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मेरे पास ग्राफ आया, अब मुझे बाकी चीज़ें करनी है, तो मेरे को एक डिस्टेंस एरे चाहिए ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट जिसका साइज एन होने वाला है ठीक है। सिमिलरली मुझे एक स्टॉप्स एरे चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप्स एरे ठीक है। और मैं एक काम करूँगा, दोनों को ही स्टार्टिंग में फिल कर दूंगा विद इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ठीक है, दोनों को ही, किस किस को, डिस्टेंस एरे को और यहाँ पे स्टॉप्स एरे को ठीक है। दोनों को मैंने फिल कर लिया मैक्सिमम वैल्यू से। इसके अलावा मुझे बनानी पड़ेगी प्रायोरिटी क्यू, तो अगर आपको प्रायोरिटी क्यू नहीं बनानी आती, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरी प्रायोरिटी क्यू की हीप वाली प्लेलिस्ट के शुरू के तीन वीडियोस देख ले। उसमें मैंने बहुत अच्छा सिखाया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप प्रायोरिटी क्यू किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पर कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको याद हो, प्रायोरिटी क्यू में ये नोड स्टोर कर रहा था जहाँ पे मुझे तीनों चीज़ को स्टोर करने की जरूरत पड़ती थी, बट मेरी प्रायोरिटी क्यू बन रही थी डिस्टेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रायोरिटी क्यू बनाओ किसका, नोड का, इसको बोलो मिन ही ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली मैं स्टोर कराऊंगा, मान लो नोड वन नोड टू ठीक है, नोड वन नोड टू को स्टोर करा रहा हूँ मैं, और मुझे बेसिकली नोड वन के डिस्टेंस के बेसिस पे मिन हीप बनानी है। तो मैं लिख दूंगा नोड टू डॉट डिस्टेंस, नोड वन डॉट डिस्टेंस माइनस नोड टू डॉट डिस्टेंस ठीक है। ये मेरे को प्रायोरिटी क्यू बना के देगा इस बेसिकली डिस्टेंस के बेसिस पे ठीक है, इस नोड का ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, हमने एरे बना लिया, डिस्टेंस एरे बना लिया, स्टॉप्स एरे बना लिया। अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में मुझे पता है कि मेरे सोर्स नोड का डिस्टेंस जीरो होगा, मुझे ये भी पता है कि मेरे स्टॉप्स से नंबर ऑफ स्टॉप जीरो ही रहेंगे जीरो पे पहुंचने के लिए ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपनी मिन हीप के अंदर इस वाली बात को ऐड कर देंगे, क्या कि एक न्यू नोड ऐड कर दो जिसका सोर्स नोड है, डिस्टेंस उसका, आप चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ जीरो, या जीरो भी लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस ऑफ जीरो जीरो ही है, सिमिलरली स्टॉप्स ऑफ जीरो। बट मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं, हम जीरो का डिस्टेंस स्टोर कर रहे हैं, स्टॉप्स का जीरो जीरो का स्टॉप्स नंबर ऑफ स्टॉप्स स्टोर कर रहे हैं। अब बहुत सिंपल है कि जब तक आपकी मिन हीप एम्प्टी नहीं हो जाती ठीक है, आपको ये लूप लगाते रहना है, बहुत सिंपल है, आपको ये लूप चलाना है। हर बार लूप चलाने से पहले आप अपनी
करंट नोड को डिलीट करोगे तो मिन हीप से बोलो कि आप इसको डिलीट कर दो। अब डिलीट करने से आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, एक तो करंट नोड मिलेगी, ठीक है, इसको चलो करंट बोलते हैं, ठीक है, आप तो आपको एक तो करंट नोड मिलेगी विच इज़ करंट डॉट नोड, क्योंकि देखो मिन हीप में क्या क्या मिन हीप में एक नोड थी, चलो इसको नोड बोलते हैं, ठीक है, मिन हीप में क्या थी, नोड थी, तो मैंने कहा नोड का नोड मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको करंट डिस्टेंस मिलेगी विच इज़ नोड डॉट डिस्टेंस, ठीक है, एंड इंट करंट आपको स्टॉप्स मिलेंगे विच इज़ नथिंग बट नोड डॉट स्टॉप्स, ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना, चलो इसको करंट बोल लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि करंट का नोड करंट का डिस्टेंस जो भी आपने डिलीट करी उसका डिस्टेंस उसका नोड उसका नंबर ऑफ स्टॉप्स, हमने तीन चीज़ें निकाल ली। अब हमारे पास दो चीज़ें कंडीशन होनी चाहिए, देखो कि मैंने आपको बताया था कि हर बार जब आप बार डिलीट करते हो करंट नोड आपकी कहीं डेस्टिनेशन तो नहीं बन गई, अगर वो डेस्टिनेशन बन गई तो यहीं से रिटर्न कर दो क्या करंट डिस्टेंस, क्योंकि वही आपका मिनिमम है। लास्ट में सोचो जब हमने 6 को डिलीट किया था तो जब 6 डिलीट हुआ था तो 6 ही मेरी डेस्टिनेशन थी तो मैंने 16 को रिटर्न कर दिया था। लेकिन अब सोचो कि अगर आपकी करंट नोड जो डिलीट हुई है वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो डेस्टिनेशन नहीं है, राइट, और उसके करंट नंबर ऑफ स्टॉप्स ऑलरेडी किसके बराबर हो गए हैं, के प्लस वन के बराबर हो गए हैं, तो इस केस में तो मैंने जिस पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट किया मुझे उससे उसके नेबर्स को इटरेट करने का कोई फायदा नहीं है ना। याद करो जब मैंने 4 को डिलीट किया था, जब मैंने यहाँ पे इस 4 को डिलीट किया था और मैं इस पाथ के रास्ते से आ रहा था, तो जब मैंने इस 4 को डिलीट किया तो मुझे इससे आगे कुछ नेबर को ट्रेड करने का कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैं एक ऐसे पाथ से उस 4 को डिलीट कर रहा हूँ जिस पाथ पे मुझे नंबर ऑफ स्टॉप्स ऑलरेडी एक्सीड कर चुके और वो डेस्टिनेशन नोड भी नहीं है, राइट, तो मैं कंटिन्यू लिख दूंगा यहाँ पे। अगर सब कुछ ठीक है तो दैट मीन्स अब आपको इटरेट करने हैं, तो मैं बोलूंगा कि फॉर ईच पेयर, क्योंकि अब आपको इटरेट किस पे करना है, इसके नेबर्स पे, जो करंट नोड आपने डिलीट की उसके नेबर्स पे, उसके नेबर हमें कहाँ से मिलेंगे, ग्राफ में, और ग्राफ में क्या स्टोर्ड है, लिस्ट में पेयर्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर ईच पेयर इन ग्राफ डॉट गेट करंट नोड, तो जो भी आपकी करंट नोड डिलीट हुई है उससे आप पेयर्स की लिस्ट निकाल लो, उस लिस्ट पे ट्रेड करो, ठीक है, उस लिस्ट पे ट्रेड करो, और अब आप नेबर नोड निकाल लो कि जो पेयर है ना इस पेयर पे नेबर नोड होगी, तो नेबर नोड कैसे निकल जाएगी आपको, कि जो पेयर आप जिस पेयर पे आप इटरेट कर रहे हो उसकी नोड वो तो होगी आपके पास नोड, एंड उसकी नेबर डिस्टेंस भी निकाल लो कि करंट नोड के बीच में और जिस नेबर पे आप जाने की कोशिश कर रहे हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो भी आप निकाल लो, ठीक है, तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, पेयर डॉट डिस्टेंस, तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखो कि अगर जो मेरी अभी तक की करंट डिस्टेंस है उसमें मैं इस नेबर की डिस्टेंस को ऐड कर दूं और ये फिर भी मेरा जो डिस्टेंस आ रहा है उस किसके नेबर नोड की, मतलब नेबर नोड पे पहुंचने के डिस्टेंस, नेबर नोड पे पहुंचने की जो डिस्टेंस मैंने अभी तक स्टोर करके रखी हुई है पहले से जो स्टोर्ड है, जैसे कि आप याद करो कि जैसे मैंने 9 प्लस 1 को स्टोर करा था, मैं ये 9 था ये 1 था और पहले से स्टोर था 5, ठीक है, अगर वो छोटी है तो हम कुछ करेंगे, नहीं है तो हम कुछ करेंगे, राइट। अब अगर छोटी डिस्टेंस हमें मिलती है तो हमें तीन काम करने हैं, सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस को अपडेट कर दो, किसकी, ये जो नेबर नोड है इसकी ये डिस्टेंस हो जाएगी, क्या डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस इसकी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसके स्टॉप्स भी हमें अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एक बेटर, हमें छोटी डिस्टेंस मिली तो स्टॉप्स को भी अपडेट करो, तो किसके स्टॉप्स अपडेट होंगे, नेबर नोड के, वो कितने हो जाएंगे, जो भी आपके करंट स्टॉप थे, जो भी आपके करंट स्टॉप्स थे उसमें +1 कर दो, एंड एट द सेम टाइम आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को मिन हीप में ऐड भी कर दो एक नई नोड बना करके, ठीक है, कैसे, कि इस नोड का नाम हो जाएगा नेबर नोड, ठीक है, और ये डिस्टेंस ऑफ नेबर नोड एंड स्टॉप्स ऑफ नेबर नोड, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको करंट डिस्टेंस छोटी नहीं मिलनी तो सिर्फ और सिर्फ आपको, ठीक है, मिन हीप में ऐड करना है, ठीक है, मिन हीप में ऐड करना है, और क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या ऐड करना है, नेबर नोड आपको ऐड करनी है, ठीक है, आप नेबर नोड ऐड करोगे और जो भी ये न्यू डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करी वो ऐड करोगे, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपको ऐड करनी होगी, ठीक है, ये नहीं करोगे आप क्योंकि ये तो चला ही नहीं ना, तो आपकी जो न्यू डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है भले वो ज़्यादा है वो ऐड करो, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टॉप्स तो आपके अभी भी क्या रहेंगे, करंट स्टॉप्स +1 रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने करंट स्टॉप्स अभी अपडेट नहीं करे कहीं पे, हमने बस लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड एट दी एंड अगर आप नहीं पहुँच पाते उन स्टॉप्स के साथ तो आप यहाँ पे इस वाइल लूप के बाहर आइए एंड यहाँ पे आप रिटर्न कर दो -1, तो एक बार आई थिंक ये इतना ही कोड है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ इट्स रनिंग एंड इट्स वर्किंग फाइन और नॉट, तो ये इट्स वर्किंग फाइन, यू कैन सी एक्सेप्टेड, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट नाउ,
ऑप्स, देर इज़ वन रॉन्ग आंसर. ऐसा क्यों? ठीक है, ये इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं. ओके, सो आई गॉट माई मिस्टेक. सो एक्चुअली हेयर आई वॉज राइटिंग 0 0. सो द सोर्स सोर्स कैन बी एक्चुअली डिफरेंट, राइट? सो बिकॉज सोर्स कैन बी डिफरेंट, सो आई विल नीड टू राइट एस आर सी ओवर हेयर, राइट? सो इफ आई विल डू दिस एस आर सी, एस आर सी, दैट वॉज माई मिस्टेक एक्चुअली. सो आइदर आई हैव टू पुट 0 0 डायरेक्टली, और आई नीड टू पुट डिस्टेंस ऑफ एस आर सी, स्टॉप्स ऑफ एस आर सी, नॉट डिस्टेंस ऑफ 0, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड यू विल सी दैट इट्स एक्सेप्टेड नाउ, एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट. सो दिस टाइम इट इज सबमिटेड, राइट? सो आई विल एड द कोड फॉर अदर लैंग्वेजेस एज वेल, जस्ट गो थ्रू इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन डिस्कॉर्ड. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.